A great evening to all my dear students. I am Sushil. Now I am completing your previous 11 days current affairs. As I promised you, some changes because of due to time saving for you and for me also. I thought daily current affair is not necessary, rather than weekly current affair is must be valuable, and if you get one single covering all past seven days and 1 week videos per once a week, then you at most get 5 videos or 4 videos. Then totally by completing or watching 4 videos, you can complete your total 1 month current affair in smoothly. So I decided, so why I have not continued class for I had not continued class for current affair. समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए भी मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि 11 दिन 12 दिन के बाद अभी कर रहा हूँ, इसीलिए कि मैं अभी से क्या करूँगा ना, 1 week का जितने भी होगा वीकली ले आऊँगा, तो वीकली ऐसे लाऊँगा तो 4 ही week में हमारे 1 month कंप्लीट होता है, इसीलिए आपका 4 month कंप्लीट हो जाए, मतलब 4 ही week 4 ही वीडियो में आपका पूरा 1 month आप आ जाओगे. तो या इसमें क्या होगा ना, डेली दिक्कत नहीं होगा, जो भी स्पेशल में इम्पोर्टेंट मेरे को लगेगा तो यही ही मैं दे दूंगा. समझ पा रहे हो? तो चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, कम से कम 70 मतलब 70 इतना ही मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से मैं अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट है मैं लेकर आया हूँ, खुद ही बना के, मतलब बहुत लेबर से मेहनत, क्योंकि देखो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ मेरे पास टेक्निकल टीम नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ तो कभी, लेकिन करंट अफेयर एंड वोकैबुलरी मैं ऑलवेज पीपीटी में ऐसे ही कर रहा हूँ. ओके, तो इसके मतलब बेटर ट्रीटमेंट कैसे होगा आगे, तो वो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ. समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. चलो स्टार्ट करियो, बुझी पर तो बस देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन से 12 तारीख को था. देखो ये है कि नोटेड इकोनॉमिस्ट पद्मश्री अवार्डी एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ ओडिशा, जो ओडिशा स्टेट के जो भी थे, क्या थे ना, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक पद्मश्री अवार्ड भी वो पा चुके हैं, इसके साथ ही साथ एक स्टेट मतलब ओडिशा के लिए इंफॉर्मेशन सूचना अधिकारी के रूप में भी वो ज्वाइन किए थे. उनका नाम क्या है? उनका नाम है राधामोहन. मतलब वो क्वेश्चन आएगा ये नोट, राधामोहन क्या थे, राधामोहन जो डेथ हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिस्ट. मैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन दे के आंसर बोल दिया, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए ना, एक इकोनॉमिस्ट वो है राधामोहन, एक इकोनॉमिस्ट वो है राधामोहन. समझ पा रहे हो? तो इकोन राधामोहन से रिलेट करना है. समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है व्हिच कंट्री ग्रेटेड इंडिया एज ए फ्रेंड ऑन हिज नेशनल डे ऑन June 12. समझ पा रहे हो नहीं? बस व्हिच कंट्री ग्रेटेड इंडिया एज ए फ्रेंड ऑन हिज नेशनल डे ऑन June 12. June 12 में कौन सा कंट्री इंडिया को अभिनंदन के एज ए फ्रेंड, समझ पा रहे हो? तो रसिया. मतलब इससे क्या आपको मतलब बहुत जरूरी लगता है ना, June 12 कौन सा कंट्री के लिए क्या है, उसके लिए उनका नेशनल डे है. जैसे कि हमारा यहाँ मतलब जैसे देश स्वाधीनता हुआ था, मतलब स्वाधीन हुआ था 15 अगस्त हम मनाते हैं, इसी टाइप के कुछ समझ लो वही है रूसिया. तो रूसिया के बारे में भी थोड़ा जानते हैं. रूसिया के जो अभी जो बहुत भी पावर कहीं ना कहीं अमेरिका के बाद रूसिया भी माना जाता है बहुत पावरफुल कंट्री, तो सेकेंड पावरफुल कंट्री ऐसे कहीं ना कहीं माना जाता है, तो वो है भी. तो उनका जो प्रेसिडेंट है सबसे बहुत प्रभावशाली, वो सबसे शक्तिशाली लोग भी है, मतलब देश तो उसका सेकंड है शायद रसिया,
पावरफुल में सेकंड होना क्यों, लेकिन लोग रूप से ये सबसे बड़े है, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या हुआ ना, इसी के बाद हुआ है आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी वो कहाँ, मतलब रशिया में कौन है, डिमिट्री मेडवेदेव। ओके, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री मेडवेदेव। उसी के बाद है कैपिटल मॉस्को, समझ पा रहे हो। तो इंडिया में जो जिनका मतलब जिनके साथ अच्छा संबंध है वो है रूसिया, और उन्हीं का जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री मेदवेदेव। एंड जो रूसिया का कैपिटल है ऑलवेज पूछता है वो है मॉस्को, समझ पा रहे हो। हाँ, और एक भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रूसिया का करेंसी क्या है, करेंसी याद रखना रबल, RUBLE। ओके, रबल। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है, ये रंग ही कुछ ऐसा है, समझ पा रहे हो कि नहीं, जब मैं बोला। अरे ओके, चलो देखते हैं फिर। ओके, यहाँ पर देखो हम कर, हाँ क्या क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन यही था कि आपका जो सेकंड, फिर देखते हैं थर्ड थर्ड क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन गया राधा मोहन जी, उसके बाद वो इकोनॉमिस्ट थे, इंडिया के चीफ, चीफ नहीं, पूर्वतन इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, वो गुजर गए। तो राधा मोहन किस फील्ड से बिलोंग करते थे, वो है इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट से बिलोंग करते, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद हुआ कि आपका रशिया के बारे में जाने, अभी क्या जानेंगे ना, थ्री क्वेश्चन। हुई स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ITU प्रोविजनली प्रमोट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 5 एंड क्लास 8, फ्रॉम क्लास 5 एंड क्लास 8 ओइंग टू डिसरप्टेड एकेडमिक सेशंस, समझ पा रहे हो। हुई स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ITU प्रोविजनली प्रमोट स्टूडेंट्स, वो बोला है, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कौन से स्टेट स्पेसिफिकली जो 5 क्लास में पढ़ रहे थे उनको 6 क्लास में कन्वर्ट, ऑटोमेटिक एग्जाम नहीं देके भी जा सकते हो, एंड उसी के साथ भी 8 क्लास भी 9 क्लास के लिए भी जा सकते हो, मतलब एडमिशन कर सकते हो, मतलब आप उत्तीर्ण हो जाओगे 5 क्लास 8 क्लास। जब भी क्वेश्चन कौन सा स्टेट 5 क्लास एंड 8 क्लास के लिए ऐसे ही कुछ किया है, मतलब आगे जा सकते हो, तो है त्रिपुरा गवर्नमेंट, समझ पा रहे हो। यहाँ का CM है बिप्लब देव एंड गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा का CM है बिप्लब देव एंड गवर्नर है रमेश बैस, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ILNFS अरेस्टेड बाई इकोनॉमिक ऑफिस विंग, EOW, इकोनॉमिक ऑफिस विंग। तो उनको मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा ना, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ILNFS अरेस्टेड बाई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। जो भी मतलब पूर्वतन चेयरमैन थे एक ग्रुप का, वो ग्रुप है ILNFS, तो वो हो गया मतलब अरेस्टेड बाई इकोनॉमिक ऑफिस विंग। वो अरेस्टेड हो किसी के द्वारा, मतलब अभी हाल ही में वही पूछेगा, हाल ही में जो ILNFS जो कंपनी है वो कंपनी का जो चेयरमैन थे वो इकोनॉमी के ऑफिस होंगे, इकोनॉमी के जो विभाग है जो चेकिंग करने के साथ अरेस्ट भी करते हैं, उन्हीं के साथ मतलब अरेस्ट हुआ है उन्हीं के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा रवि पार्थसारथी, समझ पा रहे हो। बस उसी के बाद क्या होगा ना, तो हिस्टोरिकल हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी और रीओपोन्ड, इट इज लोकेटेड इन द हिस्टोरिकल हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी रीओपोन्ड, इट इज लोकेटेड इन चांदनी चौक न्यू दिल्ली, समझ पा रहे हो। वो बोला कि द हिस्टोरिकल हरदयाल म्यूनिसिपल, जहाँ भी हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी कहाँ है ऐसा कुछ आएगा, तो आंसर क्या करना, हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी कहाँ है ना, न्यू दिल्ली में है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली, हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी कहाँ है ये पूछ सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चांदनी चौक न्यू दिल्ली, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं उसी के बाद क्या है, 6 क्वेश्चन आपका। नोटेड पोएट सिद्धलिंगा, नोटेड पोएट जाना माना जो पोएट है उनका नाम अच्छे से याद रखना, वो उनका नाम है सिद्धलिंगा यहाँ, पास्ट है सिद्धलिंगा यहाँ, इसी वर्ड के साथ भी आप मतलब समझ गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं साउथ इंडियन से बिलोंग करता है। साउथ इंडियन में क्या होता है, अम ल आहा सिद्धलिंग आहा, ऐसे ही मतलब बहुत कुछ, मतलब वर्ड से मतलब लास्ट
जो सफिक्स बोलते हैं उसी के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? बस उसके, हाँ वो मतलब वही बोल रहा है कि नोटेड पोएट सिद्धलिंग यहाँ पास्ट हुए, ही बिलोंग्स टू हुई स्टेट ना, ही बिलोंग्स टू कर्नाटका कन स्टेट, सिद्धलिंग यहाँ कर्नाटका स्टेट, वो इसीलिए कि वो कन्नड़ पोएट भी एक है। वो पूछ सकता है सिद्धलिंग यहाँ मतलब कौन से वाला मतलब पोएट है, वो कन्नड़ पोएट है, वो कौन से जो कन्नड़ मतलब उड़ीसा की जैसे लैंग्वेज है उड़िया भाषा, उड़िया लैंग्वेज, इसी हिसाब से कन्नड़ का जो लैंग्वेज है कन्नड़, समझ पा रहे हो? तो सिद्धलिंग है कर्नाटक, ऐसे ही याद रखना। उसी के बाद क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री ओपन्ड ए फ्रेंडशिप हॉस्पिटल नेम द चाइना, नेम्ड विथ द चाइना, सॉरी यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था, टाइपिंग कर रहा था, तो विथ, समझ पा रहे हो? व्हिच कंट्री ओपन्ड ए फ्रेंडशिप हॉस्पिटल नेम विथ द चाइना, हु ग्रांटेड 60 मिलियन डॉलर। ओके, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो एक मेडिकल खोल मतलब ओपन किया है, वो मेडिकल का नाम चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना भी उसको भी 60 मिलियन डॉलर भी दिया है पैसा, तो वही हो जाएगा कि आंसर जो है श्रीलंका है। उसी के साथ श्रीलंका के जो हॉस्पिटल नेम है वो है मतलब जो वही हॉस्पिटल है उसका नाम है चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, तो आंसर है श्रीलंका, ऐसे ही कुछ किया है चाइना के साथ, एंड चाइना एंड श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल उसका नाम, समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। महिंद्रा ग्रुप कंपनी अपॉइंटेड होम एज एग्जीक्यूटिव, होम एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ, होम नहीं हु, फिर देखो मिस्टेक, ओके यहाँ पे लिख दो हु, समझ पा रहे हो? राइट, महिंद्रा ग्रुप कंपनी अपॉइंटेड हु एज होम और हु एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ डिजाइनर ऑफिसर, डिजाइन ऑफिसर ये हो जाएगा प्रताप बोस, समझ पर आंसर हो जाएगा प्रताप बोस, फार्मर डिजाइन हेड ऑफ टाटा मोटर्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। मतलब महिंद्रा ग्रुप कंपनी अपॉइंटेड होम एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ डिजाइनर ऑफिसर, किसी को मतलब होम वाइस प्रेसिडेंट, महिंद्रा ग्रुप किसी को वाइस प्रेसिडेंट खुद का एंड डिजाइनिंग क्षेत्र में चीफ ही बनाया है, चीफ डिजाइन ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट महिंद्रा किसको बनाया है, तो आंसर हो जाएगा प्रताप बोस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट करने पर है। उसी के साथ साथ सूरज सिंह ए फॉर्मर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट एशियन ओलंपिक 1951 पास डे हुए, ही बिलोंग्स टू विच गेम, एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, दो थे सूरज सिंह, वो ओलंपिक गेम में भी 1951 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, मतलब बहुत विख्यात मतलब कहीं ना कहीं ख्याति लाई भी हमारे लिए, तो वो थे क्या, कौन थे ना, वो थे एक माराथन रनर। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर करा देता हूँ, बहुत सारे बोलते हैं ना स्प्रिंटर क्या होता है सर, मेरे को तो बहुत सारे बोलते हैं, मतलब देखो स्प्रिंटर जो होते हैं मतलब शॉर्ट रन जो करते हैं, मतलब 400 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 तक वो होते हैं स्प्रिंटर, ज़्यादातर स्प्रिंटर बोला जाता है ओनली 100 मीटर के लिए, लेकिन 200 मीटर 400 के लिए भी कह सकते हो, लेकिन उसके बाद भी जो 800 मीटर या 1500 मीटर या फिर आगे आगे जाके मतलब जो भी हमारे माराथन जैसे भी वो उसी इसलिए तो उसका नाम माराथन है, ये है स्प्रिंटर, समझ पा रहे हो? तो सीधी सी बात, सूरज सिंह कौन से मतलब खेल से बिलोंग करते थे ना, माराथन रनर, समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेडिकल विंग, देखो बीएसएफ मतलब पैरामिलिट्री फोर्स हमारे यहाँ 5 या 6 है, मतलब 5 ही है, उसी में से एक फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, समझ पा रहे हो? एक विंग है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, मैं वही बोल रहा हूँ कि द हेड ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो हेड है हु डाइड आफ्टर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, जो मतलब कोविड के कारण मतलब टीका मतलब ट्रीटमेंट हो रहे थे कोविड के लिए, उसी के बाद ही उनका डेथ हो गया, मतलब कोविड ऐसे कुछ याद नहीं करके ज़्यादा बेटर होगा, यही याद कर लो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो भी मेडिकल का जो विभाग था उसी में से ऑल इंडिया के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑल इंडिया की तरफ से जो भी मेडिकल उसका विंग में जो हेड थे उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या है ना, डॉक्टर नवीन राम, समझ पा रहे हो? डॉक्टर डॉक्टर नवीन राम। उसके बाद क्वेश्चन क्या है ना, हु रिसीव्ड 17th पी केशवादेव लिटरेरी अवार्ड, देखो जो पी केशवादेव देव है ये है केरल के एक प्रख्यात
मतलब लेखक थे, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। वो 17th टाइम दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन दो ही भाग से, मतलब केशव केशवादेव एवरी ईयर उस उन्हीं के ये मेमोरी में याद करके, मतलब दोनों दो ही मतलब अवार्ड दिया जाता है उन्हीं के अंडर में। एक है लिटरेरी अवार्ड और जो है अगले स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे, ये है लिटरेरी अवार्ड। मतलब याद रखना पी केशवादेव तो हो गए, मतलब पी केशवादेव फिर किस टाइप का अवार्ड, मतलब पी केशवादेव लिटरेरी अवार्ड बोलेगा तो आंसर हो जाएगा थॉमस जैकब। पी केशवादेव लिटरेरी अवार्ड थॉमस जैकब, समझ पा रहे हो? उसी बात, चलो देखते हैं अभी देखें क्या देखें। वही सेम चीज में बोला था, पी केशवादेव लिटरेरी था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पी केशवादेव डायब स्क्रीन ट्रस्टर। देखो तीन ही चीज पूछ सकता है, केशवादेव कहाँ से थे, पर ये भी एक क्वेश्चन है, एंड कितना दम केशवादेव के अवार्ड दिया गया 17th, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। एंड और दो क्वेश्चन हो गया, लिटरेरी अवार्ड किसको मिला, थॉमस बैच को मिला, लेकिन डायब स्क्रीन ट्रस्ट अवार्ड किसी को मिला ना, डॉक्टर शशांक जोशी, समझ पा रहे हो? अभी और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो तो इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हु विंस पुलिट्जर प्राइज फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज डिटेंशन सेंटर, चाइना का जो डिटेंशन सेंटर है उसको खोज निकाला, इसी के लिए उसको पुलिट्जर प्राइज दिया गया, वो है मेघा राजगोपालन, समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो रिसेंटली न्यूज, अभी अभी फिलहाल न्यूज में है कि डिस्क्राइब्ड एज व्हाट बाय IUCN, रिसेंटली इन न्यूज हुच इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट बाई IUCN, IUCN के द्वारा, यहाँ पर एक हाँ यहाँ पर लिख देना क्रोकोडाइल, ओके यहाँ पर लिख लेना घड़ियाल, घड़ियाल क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल लिख लेना। रिसेंटली इन न्यूज इज घड़ियाल इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट बाई IUCN, ये लिख लेना क्रिटिकल एंडेंजर्ड, समझ पा रहे हो? उसके बाद चलो देखते हैं, वेयर इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी नहीं कि भी आंख बंद करके न्यू दिल्ली लिखना है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो मतलब ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। इसलिए वेयर इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड है न्यू दिल्ली, समझ पा रहे हो? तो चलो देखते हैं, इंडिया एंड हु साइंड ए MOU ऑन कोऑपरेशन एंड ऑन डोमेस्टिक वर्कर रिक्रूटमेंट, ओके इंडिया एंड हु साइंड ए MOU ऑन कोऑपरेशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर रिक्रूटमेंट, वो बोला है इंडिया एंड कौन सा कंट्री दोनों मिल के MOU पास किए हैं, मतलब डोमेस्टिक वर्कर को मतलब जॉब देंगे, डोमेस्टिक वर्कर को जॉब देने के लिए इंडिया एंड कौन मतलब आपस में समझौता किए हैं। डोमेस्टिक वर्कर जब भी वर्ड आएगा इंडिया के साथ कौन है, तो आंसर आएगा आपका क्या ना, कुवैत, कुवैत एक कंट्री है, वो कहाँ का कंट्री, यही एशिया में है लेकिन वेस्टर्न एशिया में है, समझ पा रहे हो? तो उसको और एक बात जान लेते हैं, तो कुवैत, कुवैत का जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी, समझ पा रहे हो? कुवैत सिटी। उसके बाद क्या होगा ना, 17 क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टेट आस्क्ड फॉर ए स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीड मॉडल ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीड बीड और ब्रीड जैसे मतलब बीड फसल मॉडल ऑफ PMFBPY, वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। हु स्टेट जो भी स्टेट बीड मॉडल ऐसे कुछ पूछेगा तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर हो गया आपका हुज स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड इट्स प्रोब ऑर्बिटर कॉल्ड एनुइसेन टू स्टडी वेनस, एंड हुज स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड इट्स प्रोब ऑर्बिटर कॉल्ड एनुइसेन टू स्टडी वेनस। देखो यहाँ पर वही क्वेश्चंस आएगा कि कौन सा स्पेस एजेंसी एक ऑर्बिटर मतलब जो साइड चक्कर लगाते हैं, मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट बोलते हैं ना, जैसे किसी को भी ऑर्बिट मतलब क्या है, उसी का मतलब एकदम बाउंड्री करके जो घूमता है, उसको चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटर। तो हुई स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड इट्स प्रोब इस ऑर्बिटर कॉल्ड एनविजन टू स्टडी वेनस, वेनस को स्टडी करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एक ही बात चीज याद रखना, वेनस शुक्र ग्रह को भेजने के लिए कौन एक ऑर्बिटर जिसका नाम है एनुइजेन,
एनविजन, ये तो इम्पोर्टेंट है, एनविजन कौन भेजा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आंसर होगा, समझ पा रहे हो। चलो फिर चलते हैं, हुई मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड नमस्ते योगा ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कभी मनाया गया, कब मनाया गया, कल ही मनाया गया, मतलब 21 तारीख को था इंटरनेशनल योगा डे। तो वो बोल रहा है कौन सा ऐसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट था जो योगा डे के अवसर में एक नया सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जो है वो है नमस्ते योगा, समझ पा रहे हो। नमस्ते योगा मतलब नमस्ते योगा कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, तो आंसर होना चाहिए मिनिस्टर ऑफ आयुष। ओके, आयुष मतलब आयुर्वेदिक यूनानी योगा, बस इतना ही, मतलब एलोपैथिक के छोड़कर जो भी है, एलोपैथिक होम्योपैथिक दोनों को छोड़कर जो भी है उन्हीं का नाम ले लो, वो है आयुष के अंडर में, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर है हु बिकेम द फर्स्ट वोमेन टू हेड द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जातिसंघ के एक जो विभाग है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए, उसी में कौन सा जो एक महिला जो पहले बार में वो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो उनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पान, समझ पा रहे हो उनका नेम है। हाँ, उनका नाम क्या है ना, उनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पान, उनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पान। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो जातिसंघ में मतलब ट्रेड एंड डेवलपमेंट के विभाग में जो प्रेसिडेंट बने तो और हेड हुए, हेड या प्रेसिडेंट बने ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनका नाम रेबेका ग्रीनस्पान भी है, वो कौन सा देश से बिलोंग करते हैं, ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, मतलब बाद हो जाएगा, किसी का नाम पूछना मतलब कहीं ना कहीं याद रहता है, लेकिन कौन से कंट्री बिलोंग करते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेगलेक्ट हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं याद करने मतलब थोड़ा दिक्कत है, थोड़ी यानी कि एकदम दिक्कत होता है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा क्या होगा ना, रेबेका ग्रीनस्पान, समझ में, रेबेका ग्रीनस्पान। तो अभी मेरा बोलना ये है कि रेबेका ग्रीनस्पान जो है वो बिलोंग टू कोस्टा रिका कंट्री, समझ पा रहे हो, द रेबेका ग्रीनस्पान है वो है बिलोंग टू कोस्टा रिका कंट्री। कोस्टा, और एक बात, कोस्टा रिका कंट्री कहाँ से आता है ना, कोस्टा रिका कंट्री अफ्रीका जो महादेश है वहाँ पर एक देश है, उसको बोलते हैं कोस्टा रिका, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु जॉइंड विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू लीड द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। वो बोल रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कौन ऐसा मतलब विभाग है, मतलब कौन कंपनी है, विभाग नहीं कौन कंपनी है जो लीड कर रहा है, कौन से क्षेत्र में लीड कर रहा है ना, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, मतलब स्काई मतलब ऊपर, मतलब स्काई में जाके, वायु में जाके, आपको आकाश के मार्ग में जाके घर में भी दे सकता है मेडिसिन, ये जो COVID-19 लोगों को आने की भी जरूरत नहीं है, मेडिकल भी, कौन से मेडिकल स्टोर में भी, ऐसा कौन मतलब कदम उठाए हो तेलंगाना गवर्नमेंट। डायरेक्ट याद रखना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कौन सा गवर्नमेंट लॉन्च किया है, तो आंसर होगा तेलंगाना। यदि पूछेगा तेलंगाना ये सब क्या है मेडिसिन विद स्काई प्रोजेक्ट किसी के साथ मिलकर ना, वो आंसर हो जाएगा फिर फ्लिपकार्ट, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है फर्स्ट एवर सोलो वोमेन मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन बाई कंचन उगर संडी हैज बीन फ्लैग्ड अप फ्रॉम हुयर। वो बोल रहा है एक कंचन उगर संडी, एक जो महिला है वो पहले बार महिला के जो मोटरसाइकिल रेस हो रहा है वो आयोजित किया था करके, मतलब वो आयोजित आयोजित हुआ था, मतलब वो बोल लास्ट में बोल रहा है वो जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो वो हो जाएगा उमलिंग ला पास लद्दाख, समझ पा रहे हो, जो वो हो जाएगा आपका उमलिंग ला पास लद्दाख। उसके बाद वो बोला हुइच बैंक हैज लॉन्च्ड कॉर्बेट्स पर्सनल लोन्स फॉर द कस्टमर्स। वो बोला हुइज बैंक हैज लॉन्च्ड कॉर्बेट्स पर्सनल लोन्स फॉर द कस्टमर्स। जब भी क्वेश्चन आएगा कॉर्बेट्स पर्सनल लोन, कुछ ऐसा ही वर्ड मतलब कॉर्बेट पर्सनल लोन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए SBI बैंक, कॉर्बेट्स पर्सनल लोन, समझ पा रहे हो। चलो फिर अभी देखते हैं, अभी डेट्स भी आलोचना करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है बोल रहा है कि कौन सा डे को अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के तौर पर हम ऑब्जर्व करते हैं, हुई इज द इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ये याद रखना, वो जो डे है वो है 13 जून, समझ पा रहे हो। तो अभी जानते हो अल्बिनिज्म क्या है, सभी के मन में भी ये प्रश्न
क्वेश्चंस आना चाहिए कि अल्बिनिज्म क्या है, समझ पा रहे हो? तो हुई चीज द इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, आंसर हो जाएगा आपका 13 जून, समझ पा रहे हो? तो 13 जून जो है वो है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ओके राइट, अभी देखते हैं अल्बिनिज्म क्या है ना। अल्बिनिज्म जो है ये कंडीशन ऑफ है कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन, हेयर एंड आइज, स्किन में हो या फिर हेयर में हो एंड या फिर आइज में हो, जो भी है ये कंडीशन ऑफ है कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस, जो आपका मतलब कंडीशन होगा वो कहीं ना कहीं एब्सेंस के तौर पर होगा, समझ पा रहे हो? तो इसलिए अल्बिनिज्म में कंडीशन ऑफ ए कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन, हेयर एंड आइज, समझ पा रहे हो? बस ओडिया जोटा धड़ा छौ कहते, बुझिपारा तो जो छबला छबला गोटे जन गोटे मनीषर देह देखी थी लाल लाल पूरा चमड़ा एमती देखा थोड़ा सेटा कहते अल्बिनिज्म। तो अल्बिनिज्म अवेयरनेस के मना जाऊँ ना 13 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अशोक पानागिरिया पास्ड अवे रिसेंटली, वाज अ डेथ बाय प्रोफेशन, जो अशोक पानागिरिया थे वो कौन थे? अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, समझ में रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर है व्हिच बैंक हैज टॉप्ड द 2021 फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स लिस्ट इन इंडिया। ओके, व्हिच बैंक हैज टॉप्ड द 2021 फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स लिस्ट इन इंडिया, वो हो जाएगा DBS बैंक। ओके, व्हिच बैंक हैज टॉप्ड द 2021 फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स लिस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड का जो भी बेस्ट बैंक है उसी लिस्ट में, इंडिया के लिस्ट में कौन सा बैंक टॉप किया है ना? तो आंसर हो जाएगा DBS बैंक, समझ पा रहे हो? तो आंसर हो जाएगा DBS बैंक। ओके, तो उसके बाद क्या फिर क्वेश्चन है ना, पेंसिल पोर्टल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा पेंसिल एक पोर्टल, वो कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? पेंसिल एक जो पोर्टल, पेंसिल पोर्टल, देखो मैं इन शॉर्ट बोल देता हूँ, पेंसिल जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये साधारणतः मतलब जो भी मतलब लेबर काम कर रहे हैं, जो मतलब बच्चे या फिर अभी जो हाल मतलब जो भी चल रहा है कोविड सिचुएशन, नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो भी लेबर के तौर पर मतलब उन वहाँ पर काम करने के लिए भी कहीं मतलब पढ़ाई छोड़ के जो भाग रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ जो परिस्थितियाँ हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, कौन सा मिनिस्ट्री उसको लॉन्च करता है? याद रखना जो मिनिस्टर है वो है केन ना, वो है आपका चाइल्ड लेबरर, समझ पा रहे हो? वो है चाइल्ड लेबरर मिनिस्ट्री। तो यही आएगा कि पेंसिल पोर्टल जो है यूज्ड टू रिपोर्ट द इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड लेबरर, वो चाइल्ड लेबर के मतलब घटना को ले जो संबंधित करने के लिए, सूचित करने के लिए हमको पेंसिल पोर्टल जारी किया गया है, चाइल्ड लेबर, पेंसिल पोर्टल इज रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर, समझ पा रहे हो? चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हुई इज द मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सेंट्रल एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम्स, हुई द मिनिस्टर हैज लॉन्च द सेंट्रल एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किरण रिजिज, बुझी पाए लोग नहीं? हुई इज द मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री है? एक मिनिस्ट्री है जो जैसे कि पेंसिल पोर्टल लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है या लेबर के लिए ही किया गया है, तो यहाँ पर भी बोल सकते हो मतलब हु इज द मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सेंट्रल एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम्स, कौन सा मिनिस्टर क्लेम्स लॉन्च किया है, मतलब हु इज द मिनिस्टर हैज लॉन्च द सेंट्रल एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपका आंसर हो जाएगा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो किरण किरण रिजिजू जिसमें मिनिस्टर है। ओके, तो एथलीट के लिए जो इंजरी मैनेजमेंट के लिए जो पैसा खर्च किए हैं मतलब यहाँ पर एक लॉन्च किया है योजना स्कीम, वो हो जाएगा ही, समझ पा रहे हो? उसके बाद यही क्वेश्चन है, ब्रू इज वन ऑफ द ट्राइब ऑफ, ब्रू एक हम सभी जानते हैं एक आदिवासी है, मतलब ब्रू एक जो ट्राइब एक है, लेकिन वो बोल रहा है कि ब्रू किसी प्रकार का ट्राइब है, तो आंसर कर देना मिजोरम एंड त्रिपुरा, समझ पा रहे हो? ब्रू हो गया इज वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा, ब्रू जो है वो एक ट्राइब है, मिजोरम एंड त्रिपुरा का एक ट्राइब है, समझ पा रहे हो? तो चलो क्या होता है फिर 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन जो है NHPC, ओके, NHPC का फुल फॉर्म है आपका नेशनल हाइड्रल, ओके, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन
हैज साइंड एमओयू विथ हुज कॉर्पोरेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 130.1 130.1 130. ये वर्ड में लिख दिया, यहाँ पर ऐसे ही करना था, एक दशमिक मतलब 130.1 MB डगमरा प्रोजेक्ट, ओके डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये चीज लिख दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डगमरा के जगह पर होगा, मतलब डगमरा प्रोजेक्ट उसका नाम दिया जाएगा, वो हमारा मतलब नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन एंड कौन मिलके मतलब वो निर्णय मतलब वो प्लानिंग किए है, वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एमओयू साइन किए हैं। तो मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा किसी के ऊपर होगा, मतलब डगमरा जो इसका पता चल जाएगा, जिस कोई भी मतलब जिसको पता चल जाएगा कि डगमरा कहाँ है तो वहाँ से भी वो रिलेट कर सकता है। तो आंसर में होगा क्या होगा ना, बिहार स्टेट हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो यही हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बिहार स्टेट हाइड्रो प्रोजेक्ट को BSHP, समझ पा रहे हो। उसके बाद अभी होगा हु डेवलप्ड द फास्ट पावर फ्री CPAP कॉल्ड जीवन वायु, समझ पाए हो। तो हु डेवलप्ड द फास्ट पावर फ्री CPAP कॉल्ड जीवन वायु, वो बोला कि कौन ऐसा है मतलब कौन डेवलप्ड क्या है द फास्ट पावर फ्री CPAP कॉल्ड जीवन वायु, जीवन वायु जैसे कहते हैं जीवन वायु, तो वो बोल रहा है कि कौन जो डेवलप्ड क्या है द फास्ट पावर फ्री CPAP कॉल्ड जीवन वायु, वो है IIT रोपर, समझ पा रहे हो। हु डेवलप्ड द फास्ट पावर फ्री CPAP कॉल्ड जीवन वायु, जीवन वायु के नाम के तौर पर कौन है कि जो एक CPAP तैयार किया गया है, मतलब यही क्वेश्चन आएगा कि पहली बार इंडिया में हमारे देश में पावर फ्री एक CPAP तैयार किया गया है, उसका जो पावर फ्री है उसको बोलते हैं जीवन वायु, जीवन वायु। तो आंसर हो जाएगा आपका IIT रोपर, समझ पा रहे हो। तो आंसर आपका हो जाएगा IIT रोपर, जीवन वायु रिलेटेड टू IIT रोपर। तो चलो अभी देखते हैं हु इज अपॉइंटेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, हु इज अपॉइंटेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, मान 13वां जो प्राइम मिनिस्टर जो भी बेंजामिन नेतन्याहू, हम ये सभी भी जानते थे, हमारे यहाँ मोदी जी के साथ बहुत बड़े भी उनका मतलब गहरा दोस्त था, मोदी जी भी वहाँ इसराइल भी गए थे, वो था आपका जो भी इसराइल में थे वो कहीं ना कहीं बहुत भी अच्छे लोग इंसान थे, वो है प्राइम मिनिस्टर जो थे अभी नहीं रहे, वो हाल ही में मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया, मतलब वो गादी से उनको हटा दिया गया है, मतलब अपोजिशन जो पार्टी थे मतलब वो भी एक ही पार्टी नहीं बहुत सारे पार्टी मिल गए, ये उन्हीं के खिलाफ फिर मतलब लड़े सभी मिलके, इसको कोअलिशन गवर्नमेंट किया, जो भी जीता है वो कोअलिशन गवर्नमेंट, वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है। तो इतना तो मैं बता दिया, लेकिन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है जो न्यू प्राइम मिनिस्टर इसराइल में बने हैं वो कितने बार मतलब कौन सा टाइम के लिए मतलब कौन सा प्रधानमंत्री के रूप में वो बने हैं, वो हो जाएगा आपका 13th। उसके हिसाब से उनका नाम क्या है, उसका नाम है नाप्ताली बेनेट, समझ पा रहे हो, उनका नाम है नाप्ताली बेनेट। चलो फिर देखते हैं 33। 33 में क्या है ना, जियो पारसी स्कीम फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ व्हिच मिनिस्टर, वो बोला है जो जियो पारसी है, जियो पारसी जो स्कीम है वो फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ व्हिच मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर के अंडर में जियो पारसी स्कीम आता है। तो मन याद रखना, ये जियो मतलब ये नहीं सोच लेना कि जो जियो सिम है वो जियो नहीं, वो तो JIO है, लेकिन यहाँ पर JIYO, जहाँ पर JIYO होगा जियो पारसी स्कीम फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री, जियो पारसी स्कीम किसी मिनिस्टर के अंडर में आता है। लेकिन देखो पारसी एक कम्युनिटी है कि नहीं, मतलब एक माइनॉरिटी है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी भी जो भी हैं मतलब कौन है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, उसके साथ साथ भी पारसी भी है, जियो मतलब जुग जुग जियो ऐसे भी सोच सकते, मतलब पारसियों के लिए कुछ अच्छा खासा स्कीम है, मतलब वही बोला है, मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ न्यू स्कीम में जियो पारसी अच्छे से रहो, जियो ऐसे ही जुग जुग जियो अच्छे रहो, मतलब बहुत साल के लिए जी कर रहो ऐसे ही, मतलब उसको जियो बोलते हैं, मतलब पारसी कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं एक स्कीम ये है जो लॉन्च हुआ है, वो लास्ट में बोल रहा है ये किसी मतलब मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपको याद रखना होगा ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, समझ पा रहे हो,
ये हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जियो पार्टी से हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेसिफाई प्रोजेक्ट, पेसिफाई पेसिफाई फाई नहीं बोलना इसको, यहाँ बोलना है कि पेसिफाई, पेसिफाई प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन पेसिफाई प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन मिनिस्ट्री इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, समझ पा रहे हो राइट। तो पेसिफाई प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन मिनिस्ट्री इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, वो बोला है कि एक एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एक स्कीम मिनिस्ट्री में वो लॉन्च किए हैं, उसको पेसिफाई बोलते हैं, समझ पा रहे हो कि मिनिस्ट्री इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जो भी आपके मतलब लॉन्च मतलब जो भी मिनिस्ट्री एक एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो भी मिनिस्ट्री है वो एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है ना पेसिफाई, पेसिफाई ये आम तौर पर जो मिनिस्ट्री उन्हीं के अंडर में नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट मतलब फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी इसी के ऊपर रिलेट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या क्वेश्चन है ना रिसेंटली डिस्कवर्ड पायरोस्ट्रिया लालजी इज ए ट्री ऑफ, वो बोलता है कि एक पायरोस्ट्रिया लालजी एक ट्री है, वो किस ट्री का मतलब एक ट्री है, पहले तो पूछेगा पायरोस्ट्रिया लालजी क्या है, आपको बोलना है एक ट्री है, उसके बाद वो बोलेगा कि पायरोस्ट्रिया जो लालजी है वो जो ट्री है कौन सा फैमिली में बिलोंग करता है, मतलब ये जो ट्री है याद रखना कॉफी फैमिली, समझ पा रहे हो। उसके बाद वो बोल सकता है हु वन $50,000 जेलफंड चैलेंज चेस टाइटल रिसेंटली, समझ पा रहे हो। जेलफंड एक चेस गेम हो रहा था ऑल इंटरनेशनल तौर पर, उसको बोलते हैं मतलब जो भी ट्रॉफी था या जो मतलब टूर्नामेंट था उसका नाम है जेलफंड, वो बोल रहा है कि $50,000 डॉल्फंड चैलेंज चेस के लिए एक टाइटल हुआ था चेस टाइटल जेलफंड चैलेंज, उसी के लिए मतलब कौन $50,000 मतलब जेलफंड चैलेंज चेस टाइटल जो जीत लिया वो आंसर आपका हो जाएगा डी गुकेश, समझ पा रहे हो, वो होगा आपका डी गुकेश। चलो फिर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है यार, यहाँ पर है ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यहाँ पर क्वेश्चन है ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 15, समझ पा रहे हो कि ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 15। उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हेयर नाटो मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड ऑन June 14, 2021, वो बोल रहा है कि व्हेयर नाटो मीटिंग, नाटो जो होता है मतलब नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कम ये यूरोपियन कंट्री विथ अमेरिका ऐसे ही कुछ मिला के वो होता है मतलब ये जो मतलब ग्रुप होता है नाटो, वो बोला है कि जो नाटो वहाँ पर जो मीटिंग होता है जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, नाटो का दो टाइप का है, एक है ज़्यादातर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप होता है, एक है हेड ऑफ द गवर्नमेंट और होता है हेड ऑफ द स्टेट ऐसे ही कुछ, या फिर ओनली गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दो ही होता है, और नाटो मीटिंग ऑफ गवर्नमेंट बोल सकता था लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो जहाँ पर वो हुआ है वो 14 तारीख को अभी अभी हुआ था, वो कहाँ पर हुआ है ना बेल्जियम में हुआ है, बेल्जियम कंट्री में हुआ है, समझ पा रहे हो। तो ऊपर तो मैं बोल दिया डायरेक्ट क्वेश्चन है विंड डे ग्लोबल विंड डे विश्व पवन दिवस कब बनाते हैं ना June 15। उसके बाद यहाँ पर जो स्लाइड में क्या है ना जलगांव बनाना एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जलगांव बनाना एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, वो कहाँ से मतलब वहाँ से एक प्रोडक्ट निकलेगा बनाना, इससे भी मतलब याद रखते हो, मतलब जलगांव बनाना एक प्रोडक्ट है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो कौन सा कंट्री को इंडिया या फिर उसी मतलब जो स्टेट में हो रहा है वो सोच रहा है मतलब एक्सपोर्ट करेगा बेचेगा हाँ बाहर मतलब सेंड करेगा, वो कौन मतलब कौन सा कंट्री के लिए वो छोड़ेगा ना दुबई के लिए, लेकिन पहले तो उससे जानने से पहले वो जानना पड़ेगा कि जलगांव बनाना जो है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वो क्या है, याद रखना जलगांव बनाना एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है वो है आपका वो दुबई में किया जाता है, मतलब दुबई से वो एक्सपोर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो वो बोला है मतलब जलगांव बनाना कहाँ से कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तो ऑलवेज ये याद रखना महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जलगांव बनाना महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, और वहाँ का भी एक GI टैग भी उसको
उसको मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कहीं ना कहीं ये भी याद रखना। जीएटक भी पूछ सकता है, जलगांव बनाना वो कहाँ छोड़ गया, इंडिया या दुबई, समझ पा रहे हो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है जून 14, समझ पा रहे हो। तो जून जो 14 है वो है आपका ब्लड डोनर डे, जैसे कि विश्व पवन दिवस वनडे हो गया आपका जून 15। यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनर डे याद रखना, सभी ब्लड देना चाहिए। इसी हिसाब से भी मतलब यहाँ पर थीम है, एक बढ़िया थीम इसी साल के लिए, जो थीम है ना वो भी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन से साल का ये थीम है, 2021, वो भी याद रखना, समझ पा रहे हो। तो वही मैं बोला कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है ना, जून 14 14 तारीख को, समझ पा रहे हो। उसी के साथ ही क्या थीम था ना, थीम था गिव द ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव द ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ब्लड देगा वर्ल्ड का बचाओ। ओके, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14। उसके बाद क्या है ना, यूके एंड हुच कंट्री हैज असाइंड ए फ्री ट्रेड डील ऑन जून 15 2021। वो बोला है कि 15 जून 2021 के हाल ही में, 6-7 दिन के पहले, इंग्लैंड ने, यूके मतलब इंग्लैंड में बोला हूँ, यूके ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड इसको बोलते हैं यूके, बहुत सारे अभी भी कन्फ्यूज है। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम शायद वही कहीं होगा वो, शायद बहुत सारे भी अमेरिका के साथ यूके भी मान लेते हैं, मतलब अमेरिका होगा नहीं। अच्छे से याद रखना, यूके जो है ब्रिटिश है, इंग्लैंड है जो हमको बोलते हैं, उसको यूनाइटेड किंगडम के अंडर हो जा रहा है, इसलिए उसको भी बोलते हैं, समझ पा रहे हो। तो वो बोला है कि वही इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साथ के मिलकर एक फ्री ट्रेड डील किया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं ना। हुई स्पेस एजेंसी विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल्ड उइसा वुडेस्ट इन अर्थ ऑर्बिट, समझ पा रहे हो। वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्पेस एजेंसी है जो कि मतलब अर्थ के ऑर्बिट को मतलब सैटेलाइट के तौर पर भेजने के लिए, वो एक मतलब सैटेलाइट के तौर पर भेजा है उसको, वो है फास्ट वुडन सैटेलाइट। हाँ, हुई स्पेस एजेंसी विल लॉन्च वायरल से फास्ट वुडन सैटेलाइट, वायरल के फास्ट वुडन सैटेलाइट कौन सा स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है, वो है वुडन जो सैटेलाइट है वो है उइसा वुडेस्ट, समझ पा रहे हो। जो उइसा वुडेस्ट जो लॉन्च किया गया है वर्ल्ड के लिए, मतलब ऐसे ही स्पेस एजेंसी के तौर पर कहाँ ना, अर्थ के ऑर्बिट के लिए, वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट पहला पहला एक यूरोप मतलब वुडन वाला एक सेटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो कहाँ के लिए है, मतलब कौन सा स्पेस एजेंसी उसको लॉन्च किया है, एक वुडन वाला सेटेलाइट, तो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वुडन सैटेलाइट कभी भी सुनोगे पहले बात है, इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ना ही ये नासा है ना हमारे यहाँ जो स्पेस सेंटर है, स्पेस हेड है, जो हेड ब्रांच है वो इसरो, वो भी नहीं है, याद रखना। यूरोपियन मतलब कंट्री को लेकर जो बनाया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वही है, समझ पाए। उसके बाद देखो क्या है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, इंडिया इज हुच मोस्ट चैरिटेबल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, 2021 रिपोर्ट के अनुसार, मतलब कौन सा अनुसार ना, वर्ल्ड का गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज हुच मोस्ट चैरिटेबल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया इज हुच मोस्ट चैरिटेबल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, वो है 14th, समझ पा रहे हो ना, 14th चैरिटेबल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, इंडिया इज हुई मोस्ट चैरिटेबल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड ना, 15th 14th। एक वुडन सैटेलाइट याद रखना, उसका नाम भी है उइसा वुडेस्ट, उसी का साथ ही साथ भी 14th इंडिया चैरिटेबल कंट्री के हिसाब से वर्ल्ड में जाना गया है, समझ पा रहे हो। अभी एक क्वेश्चन देखो, न्यू सेफर्ड रॉकेट सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर हुम टू टेक इन टू स्पेस। वो बोला है सेफर्ड मतलब किसको बोला, सेफर्ड बोलते हैं जो गाय मतलब मेंढा, मतलब उड़िया में जो मेंढा बोलते हैं, जो जो शिप बोलते हैं इंग्लिश में, जो शिप बोलते हैं
मतलब गोट नहीं, जो सीप होते हैं उन्हीं को जो चराते हैं वो सिफड़ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका मतलब क्या है ना, सिप मतलब चराने वाला, मतलब कहीं ना कहीं वो जाने वाला, मतलब स्टैटिक नहीं, मतलब स्थिर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको टूरिस्ट ही बोलते हैं। बस डायरेक्ट याद रखना, जो स्पेस को जाने के लिए एक न्यू सिफर रॉकेट लॉन्च किया गया है, जो सिफर रॉकेट वो किसी के लिए है, जो सिफर रॉकेट है वो टूरिस्ट के लिए है, समझ पा रहे हो। एंड इन हुज सिटी ऑफ कर्नाटका थ्री सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, समझ पा रहे हो। वो बोला कि इन हुई सिटीज ऑफ कर्नाटका थ्री सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। इन इंडो इसराइल, इंडिया एंड इसराइल के जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के मिलाकर कौन सा सिटी में कर्नाटका एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस लॉन्च किया है, मतलब इंडिया एंड इसराइल के मिलकर जो एग्रीकल्चर के तौर पर जो प्रोजेक्ट है, कौन सा एक स्टेट है जहाँ वहाँ पर तीन ही जगह में ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी वाला मतलब एक्सलेंस कुछ इसी के ऊपर, मतलब उसको क्या किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस मतलब निर्माण किया गया है, वो हो जाएगा कर्नाटक में तीन ही जगह, एक होगा बागलकोट, दो होगा कलार, थर्ड होगा धरवाड़। बागलकोट कलार धरवाड़, बागलकोट कलार धरवाड़, बगलगढ़ कोलार धरवाड़, समझ पा रहे हो। बस इन हुज कंट्री हुबई ए लैंड लॉक्ड द प्रोविंस सिचुएशन, समझ पा रहे हो। वही है कि तो इन हुज कंट्री हुबई एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, हुबई वो सिचुएटेड है, याद रखना। वो हो गया चाइना, चाइना चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग, समझ पा रहे हो। बस वो है जी जिनपिंग जी। इन हुज कंट्री हुबई ए लैंड लॉक्ड द प्रोविंस सिचुएटेड, हुबई मत याद रखना, हुबई ये जो है आपका एक लैंड लॉक प्रोविंस है, तो कहाँ कौन सा देश में वो सिचुएटेड है ना, हुबई चाइना में सिचुएटेड है, जो चाइना में जो प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग। और 16 जून 2021 हुज मिनिस्ट्री लॉन्च्ड आदि परीक्षण पोर्टल, आदि परीक्षण पोर्टल जून 2021 में कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किए हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जब भी आदि कुछ वर्ड आए, ADA आदि, वो परीक्षण हो या फिर आदि वन महोत्सव हो या आदि महोत्सव हो, जो भी है वो डायरेक्ट याद रखना, वो आदि जब वर्ड आएगा तो आंसर हो जाएगा आपको ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्ट्री, समझ पा रहे हो। और हुबई हुई हुई जो है थाईलैंड से शायद, हाँ वो प्रोडक्ट है, लेकिन हुबई जब भी आएगा यार ना चाइना। उसके बाद क्या है ना, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। एल्डर को जो हम जो बड़े बड़े लोग हैं या फिर पिता माता हैं जो मतलब वृद्ध हो जाते हैं, उनको हम वृद्ध वृद्धा हो जाते हैं उनके, हमको हम क्या करते हैं ना, फैमिली जो भी बच्चे होंगे वो उनको इग्नोर करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है, इसके साथ साथ ही हम छोटे हैं हमारे बड़े को हम सम्मान नहीं दे, मतलब उनको अब्यूज कर रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में एक अवेयरनेस डे पालन किया जाता है, वो वर्ल्ड मतलब टोटल विश्व के रूप में पालन किया जाता है। उसके कौन सा डेट में ना, वर्ल्ड अब्यूज डे कभी है ना, जून 15, समझ पा रहे हो। जैसे कि वुमेन डे भी जून 15 बोला था, वर्ल्ड अब्यूज डे भी जून 15, समझ पा रहे हो। अभी देखो क्या है ना, हु साइंड 484 मिलियन डॉलर लोन विथ इंडिया टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन चेन्नब कम इंडो कॉरिडोर, आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस, फिलीपींस फिलीपींस एंड फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला है, वहाँ करेंसी है पेसो। टियानगंग स्पेस स्टेशन बिलोंग्स टू टियांगन स्पेस स्टेशन बिलोंग्स टू चाइना। टियांगंग जैसे दुबई हुबई देखा, हुबई हम देखें कहाँ पर है, मतलब नया है, कहाँ पर एक लैंड लॉक्ड मतलब जगह है, चार तरफ से लैंड लॉक्ड है, वो पाया गया है चाइना में। ऐसे ही टियांगंग भी एक स्पेस स्टेशन है, एक सबसे उनका बड़ा स्पेस लॉन्च करते हैं वो टियांगंग। जैसे कि हमारा हो गया इसरो एंड अमेरिका हो गया नासा, इसी हिसाब से उनके उनके हैं जो टियांगंग, उस वहाँ पर वहाँ से मतलब लोकेशन है, वहाँ से स्पेस मतलब लॉन्च किया जाता है
सेटेलाइट वगैरह सब कुछ वो कहाँ पर है ना, चाइना, टियानगंग है चाइना में। यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर है नेशनल हेल्पलाइन नंबर इशूड बाय होम मिनिस्ट्री फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। वो बोला है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक हेल्पलाइन इशू किया है। मतलब ये तो भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में आने वाला है, समझ पा रहे हो। वो बोला है साइबर जब भी फ्रॉड हमारे मतलब हो जाता है, मतलब हम किसी को विश्वास करके 6,000 रुपये दे दिए लेकिन वो फेक निकले, वैसे कुछ कंपनी ऑनलाइन से हमको चैटिंग करके ठग लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी है मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, वो मतलब एक इशू किए हैं हेल्पलाइन नंबर, उसको क्या बोलते हैं ना, उस वो हेल्पलाइन है 1555620, राइट, 1555620। हुज ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंप साइट्स। हुज ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंप साइट्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। हुज ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंप साइट। कौन बनाया है ना चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंप साइट्स का एक रिपोर्ट, जो भी बनाते हैं, कौन बनाते हैं, जो मतलब बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं उसी कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी के रिलेटेड, वो एक रिलेटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो चिल्ड्रन डिजिटल डम्प सेट को देखते हैं, समझ पा रहे हो। चलो फिर देखते हैं क्या है यहाँ पर है। हु इज़ द कंट्री होस्टेड 18th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ADMM+। एक आता है सेम टू सेम ADMM, लेकिन एक प्लस जो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही मतलब जब भी क्वेश्चन जाएगा अब डायरेक्ट मतलब आंसर करना। हु इज द मेन कंट्री होस्टेड 18th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ना आंसर हो जाएगा आपका 18th जो एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री वो होगा ब्रुनेई, समझ पा रहे हो, वो हो जाएगा आपका ब्रुनेई। ओके कौन सा कंट्री मतलब आपका मिनिस्ट्री मीटिंग एशियन डिफेंस के अंडर में, मतलब एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग या ADMM, कौन सा देश कंट्री लॉन्च किया था और कहाँ पर मतलब हुआ था, वो हो जाएगा आपका ब्रुनेई। ब्रुनेई मतलब वो उनका उसका कैपिटल क्या है ना, ब्रुनेई का कैपिटल है बंदर सरी वागावन। ओके एंड याद रखना एशियन कंट्री, एशियन कंट्री मतलब एशियन कंट्री जो होते हैं 10 कंट्री जो होता है, जैसे कि मैप में भी देख सकते हो हमारा अरुणाचल प्रदेश ठीक क्रॉस होते ही जो आते हैं, मतलब चाइना को छोड़कर जितने भी हैं नीचे नीचे, मतलब चलोगे मतलब अंडमान निकोबार देखा और नीचे नीचे चलोगे जापान को छोड़कर एंड चाइना को छोड़कर जितनी भी वहाँ पर भी होंगे, मतलब सभी कोस्टल कंट्री कंट्री है, मतलब आइलैंड कंट्री है, कोस्टल नहीं आइलैंड कंट्री है, चार तरफ उनका पानी ही पानी, तो उन्हीं में से 10 को बोलते हैं हम एशियन कंट्री, उन्हीं में से कहीं ना कहीं जगह में होता है, जैसे कि इस साल ब्रुनेई में हुआ है वो 18th वाला है। तो अभी ब्रुनेई के बारे में कुछ जानते हैं, ब्रुनेई का जो कैपिटल है वो है बंदर सरी वागावन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ ही सकता है एंड आ ही चुका भी है, तो इसीलिए ब्रुनेई जो है कैपिटल हो गया उसका बंदर सरी वागावन। इसके बाद करेंसी क्या है ना, ब्रुनेई का जो करेंसी है ब्रुनेई डॉलर, समझ पा रहे हो। उसके बाद हु ऑर्गेनाइज द इवेंट ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए, टीबी जो है ट्यूबरक्यूलोसिस उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्या किए हैं, मतलब ड्राइव किए हैं, वो हो गया हु ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर वही है कि द नेम ऑफ हेड ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली हु पास्ड अवे रिसेंटली एंड अइज्वल इन मिजोरम, है ना। वो बोल रहा है कि तो नेम तो वाले राजेट फैमिली, विश्व में सबसे बड़ा जो फैमिली का जो हेड था, एक बहुत बड़ा जो एक फैमिली था उसका हेड था, वो भी हमारे इंडिया में मिजोरम में थे और मिजोरम में कैपिटल अइजोल में भी थे, उसका नाम क्या है, उन डायरेक्ट पर्सन का नाम यही है कि जियो ने चाना, जियो ने चाना। उसके बाद क्या है ना, वर्ल्ड सी टर्टल डे, वर्ल्ड सी टर्टल डे जो है 16 जून के लिए, 16 जून के लिए वर्ल्ड, ये वर्ल्ड सी टर्टल 16 जून के लिए है, समझ पा रहे हो, राइट। उसके बाद क्या होगा ना, इन हुई स्टेट किमिन पोटिन रोड इनागुरेटेड रिसेंटली, किमिन पोटिन रोड इनागुरेटेड इन आसाम,
समझ पा रहे हो? राइट। इन हुई स्टेट किमिन पोटिन रोड इनागोटेड रिसेंटली। किमिन पोटिन रोड जहाँ कहीं भी मतलब एक नाम आएगा, मतलब कहाँ है, तो आपका आंसर ए हो जाना चाहिए, आसाम। समझ पा रहे हो? तो हुई स्टेट किमिन पोटिन रोड इनागोटेड रिसेंटली, तो आपका आंसर हो जाएगा आसाम। इन हुई स्टेट रेवांडा पोर्ट इज लोकेटेड ना, रेवांडा पोर्ट हो गया आपका महाराष्ट्र। किमिन पुटिन जब कुछ ऐसा रोड कुछ आएगा नाम सामने, तो आपको डायरेक्ट आंसर होना चाहिए आसाम स्टेट किमिन पुटिन। लेकिन जो आपका कभी रेवांडा पोर्ट आएगा, रेवांडा पोर्ट है कहाँ पर है? महाराष्ट्र। छोटा सा पोर्ट है लेकिन है, ये नाम तो लगता है मतलब और कहाँ, मतलब फॉरेन कंट्री में, लेकिन इसलिए याद रखना ये बहुत इसीलिए इम्पोर्टेंट बन ही जाता है, रेवांडा पोर्ट महाराष्ट्र। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर है कि हुच डेट ऑफ जून मंथ इज डिक्लेयर्ड एज ए फेडरल हॉलीडे बाय यूएस गवर्नमेंट। देखो अमेरिका गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी अभी डिसाइड किए हैं कि जून मंथ में एक ही डेट को डिसाइड किए हैं, जो मतलब एक ही हॉलीडे है वो सारे टोटल हमारे अमेरिका के लिए है, गवर्नमेंट के तौर पर है, वो है 19th जून। याद रखना अमेरिका में फेडरल हॉलीडे कब मनाया जाता है या फिर कभी गवर्नमेंट डिक्लेयर किए हैं, वो आंसर हो जाएगा 19th जून। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या है ना, केरला से सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कनेक्ट्स। केरला में एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट हुआ है, ऐसे ही पूछ सकता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ हुआ है, तो आंसर होना है केरला। उसके बाद भी वो पूछ सकता है मतलब केरला का जो सिल्वर लाइनिंग प्रोजेक्ट है वो कहाँ से लेकर कहाँ से जुड़ा जाता है, तिरुवनंतपुरम से लेकर कासारगोड तक। तिरुवनंतपुरम से लेकर केरला का जो कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम से लेकर कासारगोड तक केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जोड़ा जाता है। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखो एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया कि फ्रॉम 2018 द इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नाभल फोर्स, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अब्रिविएशन जो इन INEUNAVFOR इन यूनाफोर जॉइंट नाभाल एक्सरसाइज किक्ड ऑफ इन द, कहाँ पर हुआ है मतलब देखो यही बोल सकता है नाभाल, इंडिया का नेवी एंड यूरोपियन के नेवी वो दोनों मिलके जून 18 तारीख में कहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब डिसाइड किए थे अभी तो June 22 अगर मतलब कर रहे हैं, वो हो जाएगा कहाँ पे, गल्फ की खाड़ी में, मतलब गल्फ ऑफ आडन की खाड़ी में, मतलब गल्फ ऑफ आडन आंसर हो जाएगा। यूरोपियन ने भी इंडियन ने भी मिलके कहाँ के कहाँ मतलब जहाँ एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं 18 जून से वो स्टार्ट हुआ है, वो हो जाएगा कहाँ ना, गल्फ ऑफ आडन में। समझ पा रहे हो? चलो फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो 63 यही होगा कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कहाँ मनाया जाता है, मतलब किस तरीके को मनाया जाता है, तो ये याद रखना सस्टेनेबल जो गैस्ट्रोनॉमी जो डे है वो है 18th जून। समझ पा रहे हो ना, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो डे है वो है 18th जून। एंड गैस्ट्रोनॉमी जो है द स्टडी ऑफ फूड एंड कल्चर है। समझ पा रहे हो ना, स्टडी ऑफ फूड एंड जो कल्चर है वो है गैस्ट्रोनॉमी। तो वही बोला गया है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो डे है वो है 18th जून को, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है 18th जून। उसके साथ ही साथ ही जो गैस्ट्रोनॉमी जो है वो मतलब क्या दर्शाता है ना, गैस्ट्रोनॉमी जो है स्टडी ऑफ फूड एंड कल्चर, स्टडी ऑफ फूड एंड कल्चर को गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो डे है वो 18th जून का है। उसके बाद चलो देखते हैं, उसके बाद यही है कि नेशनल रीडिंग डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, नेशनल रीडिंग डे एक रीडिंग डे बोलते हैं, नेशनल रीडिंग डे ऑफ इंडिया, इंडिया में ये वर्ल्ड में नहीं है, जो इंडिया के तौर पर जो नेशनल रीडिंग डे कब बना जाता है, कब ना याद रखना वो बना मनाया जाता है 19th जून। एंड किसी के मतलब किसी को मतलब आधार पर किसी को याद करके मनाया जाता है वो है पी एन पानीकर जी, वो केरला से बिलोंग करते थे। एंड केरला में एक लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था, मतलब आंदोलन लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था, उसी में उनका क्या था वो किए थे, ये लाइब्रेरी वाला मूवमेंट एक आंदोलन लाइब्रेरी मूवमेंट वही किए थे, क्योंकि वो जैसे कि मैं बोला वो रीडिंग मतलब वो पढ़ाई में मतलब वो रीडिंग उसमें
संबंधित है वो, इसलिए लाइब्रेरी भी आप भी जानबूझ के कर सकते हो, समझ पा रहे हो। तो 19 जून हमारे इंडिया में नेशनल रीडिंग डे, ये भी नहीं देखो जो जो नहीं आया है अभी तक भी, जो डे है बहुत कुछ डे इस आज के सेशन में बोल दिया हूँ, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूर। इसके बाद क्या होना, हु इज द कंपनी हैज ऑन अर्थ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड इन द ज्वानिंग माइन ऑफ बोस्वाना इन साउथ अफ्रीका। वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो अर्थ के में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड, विश्व का सबसे थर्ड लार्जेस्ट डायमंड जवान माइन ऑफ बोस्वाना साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो बोस्वाना सिटी में विश्व के तृतीय बृहत्तम हीरे खोजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सब नहीं पूछा है कहाँ खोजा गया है, ये सब नहीं, वो पूछा है कौन सा कंपनी खोजा है। तो आंसर हो अब याद रखना, देवासना डायमंड कंपनी, राइट, देवासना डायमंड कंपनी। यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर यही है कि बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर अवार्ड एट द 21st न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर अवार्ड एट द 21st न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, 21st न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बैंक एक बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर अवार्ड वाला एक फिल्म मतलब दिखाया गया है, मतलब कौन सा मतलब अवार्ड पाया है कि बेस्ट इंडियन यूथ मतलब बेस्ट इंडियन फिल्म फिल्म फेस्टिवल के तौर पर डॉक्यूमेंटरी हिसाब में, एंड कहाँ पाया गया है ना, जो इंडियन फेस्टिवल हुआ है तो 21 वाला इंडियन फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क में हुआ है, उसमें जो बेस्ट डॉक्यूमेंटरी इंडियन पिक्चर मतलब अवार्ड पाया है वो है हमारे इंडिया में जो है कौन सा फिल्म है, छोटा सा अहिंसा जो है गांधी, अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस, पावरलेस लोगों के लिए वो पावरफुल है गांधी जी, अहिंसा बस यही है। उसके बाद क्या है ना, हाल HF 24 मारुति हैज कम्प्लीटेड डैश इन 2021 साल में, हाल HF 24 एक मतलब जितने साल के मतलब पहले उसको लॉन्च किया गया था उसका ठीक 60 साल उसका पूरा हुआ है, मतलब ऐसे ही जब भी पूछेगा आंसर आप क्या करोगे ना 60 ईयर्स। हाल HF 24 मारुति हैज कम्प्लीटेड 60 ईयर्स इन 2021, समझ पा रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ वो बोला है HF 24 इज ए फाइटर बम्बर एयरक्राफ्ट, हाल HF 24 इज ए फाइटर बम्बर एयरक्राफ्ट, ये याद रखना, जो आपको मन में भी बहुत अभी तक भी डाउट आ गया है इसलिए मैं भी बोल दिया कि हाल HF 24 मारुति क्या है जो 60 साल उसका पूरा हुआ है। हाल HF 24 मारुति एक हमारे वायुसेना में एक मतलब जो मतलब एयरक्राफ्ट होता है उसमें एक बम्बरिंग के हिसाब से ये काम करता है, ये स्वतंत्र हेलीकॉप्टर उसको HF 24 बोलते हैं। उसका मतलब वायुसेना में ऐड होने से मतलब उसको जब भी निर्माण किया गया था वो 60 साल हो गया है, समझ पा रहे हो। बस लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन, बहुत तो मतलब इसीलिए भी लंबा भी होगा क्योंकि देखो एक सप्ताह का क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पर तो उससे ज़्यादा था क्वेश्चन। ओके तो चलो ये देखते हैं क्या है ना, जान है तो जहान है कैंपेन कौन बोला गया, मतलब कौन बोले हैं, ये तो जरूर आता ही आता है, ये याद रखना, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, समझ पा रहे हो, जो माइनॉरिटी जो अफेयर्स है, माइनॉरिटी मतलब जैसे कि अभी अभी मतलब सेशन के पहले ही बोल दिया था, माइनॉरिटी हमारे यहाँ 6 माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, तो वो उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। उस उन्हीं के ऊपर एक माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब बनाया गया है, मतलब हमारा एक मिनिस्ट्री है अभी माइनॉरिटी अफेयर्स में, मुख्तार अब्बास नकवी, हाँ वही मतलब मिनिस्टर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, याद लग रहा है मतलब नोट कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रिसेंट इज मुख्तार अब्बास नकवी। वो बोला कि जान है तो जान है कैंपेन उन्हीं के द्वारा मतलब मिनिस्ट्री कंट्रीब्यूशन से दिया गया था, समझ पा रहे हो। उसके बाद वो बोला गया है कि बरोदा एंड 80 रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बरोदा एंड 80 रिवर्स, एक दोनों ही नाम बरोदा तो जानते थे लेकिन 80 रिवर्स भी एक आया है, वो दोनों ही किस नदी का मतलब शाखा नदी है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ये भी क्वेश्चन है नया है ना, तो बरोदा एंड ट्रिब्यूटरीज। तो कैसे लगा सेशन, आशा करता हूँ अच्छा लगा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत कमी है, मैं लॉन्ग क्लासेस कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि
इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए सबको बोल दो, जरूर देखें, जरूर आए, बाय ऑल। फिर नेक्स्ट ऐसे ही मतलब 1 वीक के बाद वीकली करेंगे करंट अफेयर्स।